अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, मैं विजेता और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच 4 अप्रैल को फोन पर बात हुई थी। दोनों ने कोरोना वायरस को लेकर बात की थी कि कैसे कोरोना वायरस से निपटा जाए। आपको बता दें, अमेरिका कोरोना के विकराल रूप से जूझ रहा है। इसी को देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से मदद मांगी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवाई की मांग की थी। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन ये एक ऐसा ड्रग्स है जिसे मलेरिया के होने पर इस्तेमाल किया जाता है और भारत में इस ड्रग्स को अधिकांश मात्रा में बनाया जाता है। लेकिन मार्च में ही भारत में किसी भी दवाइयों के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ऐसे में अब भारत की तरफ से दवाइयों की मदद करने में देरी हो रही है, तो अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के खिलाफ धमकी भरे लहजे का इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि अगर भारत मलेरिया की दवाई निर्यात नहीं करता है तो वह जवाबी कार्रवाई करेंगे। I hope it's going to be a very important answer. We're having some very good things happening with it, and we're going to be distributing it through the strategic national stock. Millions and millions of doses of it, 29 million to be exact. In addition to that, we're making it, and we're also getting it from various other locations and countries. In one case, I called Prime Minister Modi of India this morning. They make large amounts of hydroxychloroquine, very large amounts, frankly. And I said they had a hold because, you know, they have 1.5 billion people and they think a lot of it. And I said I'd appreciate if they would release the amounts that we ordered, and they are giving it serious. हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवाई को लेकर मचे विवाद के बीच अब भारत के विदेश मंत्रालय ने जवाब दिया है और कहा है कि पहले भारत में इसकी जरूरतों और स्टॉक को परखा गया है और उसी के बाद सर्वाधिक प्रभावित देशों को मदद पहुंचाने का फैसला लिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमारी प्राथमिकता ये है कि जरूरत की दवाइयों का देश में भरपूर स्टॉक हो ताकि अपने लोगों की जरूरतों को पूरा किया जा सके। इसी के चलते कई दवाइयों पर कुछ समय के लिए निर्यात पर रोक लगाई गई थी, लेकिन लगातार नए हालात को देखते हुए सरकार ने 14 दवाइयों के निर्यात पर रोक हटा दी है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत को पैरासिटामोल और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का ध्यान इसलिए भी रखना है क्योंकि कुछ पड़ोसी देश पूरी तरह से हमारे पर निर्भर हैं। ऐसे में उन्हें इन दवाई की इजाजत दी गई है। साथ ही जरूरत की दवाइयों पर सप्लाई उन देशों को जरूर की जाएगी जहां कोरोना वायरस की वजह से हालत ज्यादा खराब है। ऐसे में इस स्थिति को किसी भी तरीके से राजनीतिक रूप ना दिया जाए। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि अमेरिका की तरफ से धमकी आने के बाद विदेश मंत्रालय को यह बयान जारी करना पड़ा। इस खबर में बस इतना ही। अपने आसपास सफाई रखें, अपने हाथों को धोते रहें। तब तक देखते रहिए फर्स्ट बाइट न्यूज़। नमस्कार।